गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ साइंस, क्लास फोर्थ। हम हमारा फर्स्ट चैप्टर साइंस का कंप्लीट कर चुके थे। हमने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, वार्म अप, इंट्रोडक्शन और हाँ एडेप्टेशन क्या होता है इस चीज़ के बारे में मैं बता चुकी थी। और एडेप्टेशन कितने टाइप्स के होते हैं, टेरेस्ट्रियल होता है और एक्वेटिक होता है। टेरेस्ट्रियल क्या होता है, जो लैंड पर उगने वाले प्लांट होते हैं उसे टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। एक्वेटिक मतलब जो पानी में उगने वाले प्लांट होते हैं उसे एक्वेटिक बोलते हैं। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट, टेरेस्ट्रियल प्लांट में आ जाएगा आपका। टेरेस्ट्रियल प्लांट के भी यहाँ पे टाइप्स है, डेजर्ट, माउंटेन ऑफ हिल्स, मर्शेस, प्लांट्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, कोस्टल रीजन। अब इन सब की डिटेल स्टडी मैंने आपको डेजर्ट की बता चुकी थी मैं लास्ट वीडियो में हमने डेजर्ट तक का कंप्लीट कर लिया था। अब प्लांट्स डैट ग्रो ऑन माउंटेन एंड हिल्स, अब ऐसे प्लांट जो माउंटेन और हिल्स पर उगते हैं, ठीक है। ट्रीज ग्रोइंग ऑन माउंटेन एंड हिली एरियाज आर कॉल्ड कॉन्फ्यूरियस ट्रीज, जो इन एरिया में उगते हैं उनको कौन से ट्री बोलते हैं, कॉन्फ्यूरियस ट्री बोलते हैं। एज दे आर टॉल, ये बहुत लंबे होते हैं और शेप्स में कौन जैसे होते हैं, जैसे आइसक्रीम का कौन कैसा रहता है उस टाइप के ऊपर से तिकोने होते हैं, ठीक है। तो इनका एग्जाम्पल है पाइन, डियोडर, स्प्रूस एंड फायर आर सम ऑफ सच ट्रीज जो हिल्स पर उगते हैं, ठीक है। कौन शेप्ड माउंटेन प्लांट्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन शेप माउंटेन प्लांट्स है और इसकी लीव्स कैसी होती है, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी लीव्स ऐसी होती है और ये माउंटेन प्लांट्स ऐसे ट्राइंगल शेप के होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्लांट्स ग्रो इन माउंटेन एंड हिल्स हैव अडॉप्टेड ए नंबर ऑफ स्पेशल वे इन ऑर्डर टू कॉप विद देयर एनवायरमेंट। यहाँ पे ये जो प्लांट्स रहते हैं के होते हैं क्योंकि इन पे जब बर्फ गिरता है तो वो जमा नहीं रहता, वो जैसे ही गिरता है वो स्लिप होके नीचे हो जाता है, ठीक है, वो टिका नहीं रहता है। तो इसलिए इन प्लांट्स को वहाँ के एटमॉस्फेयर के, वहाँ के कोल्ड कंडीशन की आदत हो गई है, ठीक है। तो ये वहाँ पे अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। द कॉनिकल शेप ऑफ दिस ट्रीज हेल्प स्नो टू स्लाइड, स्नो को स्लाइड करने में देयर ब्रांचेस हेल्प करती है। इन दिस वे ट्रीज ग्रोइंग इन हिली एरियाज आर एबल टू सर्वाइव द कोल्ड कंडीशन। इस वजह से कॉनिकल शेप के रहते हैं, इन पे स्नो नहीं टिकती, इस वजह से ये हिली एरियाज में सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। द लीव्स ऑफ दिस आर नीडल लाइक एंड हैव अ वैक्सी कोटिंग, इसकी जो लीव्स होती है ये सुई जैसी नीडल लाइक होती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी लीव्स सुई जैसी नीडल लाइक होती है और इसमें वैक्सी कोटिंग जैसे पिगमेंट प्रेजेंटेड है। दे प्रिवेंट देम फ्रॉम एनी डैमेज फ्रॉम स्नो एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, वाटर को कंजर्व करने का भी काम ये करती है, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ट्रीज सच एज पाइन, डियोडर, स्प्रूस, ये तीन टाइप के यहाँ पे ट्री होते हैं, उनके नाम ही है पाइन, डियोडर, स्प्रूस एंड फायर, ठीक है। हैव लिव्ड थ्रूआउट द ईयर एंड ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज, इनको हमेशा के लिए क्या कहा जाता है, एवरग्रीन ट्रीज भी कहा जाता है। प्लांट इन मर्शेस, मैंग्रोव प्लांट, ठीक है। मर्शेस मतलब होता है समुद्री किनारे जो प्लांट लगे होते हैं उन्हें बोलते हैं मर्शेस। फॉर एग्जाम्पल मैंग्रोव प्लांट, मर्शेस हैव क्लेली सॉइल दैट इज़ वेरी स्टिकी, ये क्ले टाइप के सॉइल में उगता है और ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मर्श प्लांट टू ग्रो इन सच एरियाज एज एयर कैन नॉट रीच द रूट, यहाँ पे प्लांट उगने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जो एयर होती है वो रूट तक नहीं जा पाती। दस इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर दिस प्लांट टू ब्रेथ एयर इन हैबिटेट डेट हैव वाटर लॉक्ड सॉइल, इसमें जो सॉइल होती है वो वाटर को लॉक्ड करके रखती है और यहाँ पे तक एयर पहुँचने में, रूट को सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। हर कोई प्लांट यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता, यही मर्शेस में सिर्फ मैंग्रोव प्लांट ही सर्वाइव कर सकते हैं। प्लांट लाइक मैंग्रोव आर फाउंड इन मर्शेस, ठीक है। एज मर्शेस मतलब होता है समुद्री किनारे जो प्लांट उगते हैं उसको बोलते हैं मर्शेस। एज द सॉइल इन मर्श एरिया इज जनरली वाटर लॉक, ठीक है। द रूट ऑफ मैंग्रोव ट्री ग्रो अबाउट द सॉइल टू टेक इन एयर टू ब्रेथ एंड सर्वाइव, जो इसकी रूट होती है वो सॉइल के ऊपर से लगती है। जैसे नॉर्मल प्लांट की जो रूट होती है वो ज़मीन के अंदर रहती है, इसकी जो रूट होती है वो ज़मीन के ऊपर आपको दिखाई देती है। देखो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, तो इसकी रूट ऊपर लगती है और ये लॉक्ड होता है सॉइल, वाटर लॉक्ड होता है मतलब पानी से पूरा लॉक्ड होता है, तो इसको यहाँ पे ब्रेथ लेने में हेल्प होती है, तो इस वजह से ये सर्वाइव कर। अगर नॉर्मल प्लांट अगर यहाँ पे लगा दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि उनकी रूट जो होती है वो ज़मीन के नीचे सूखती है ना, तो यहाँ पे ये रीज़न आ जाता है।
अब प्लांट्स इन द प्लांट्स, अब ये हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, प्लांट्स इन द प्लांट्स एंड प्लांट इन फॉरेस्ट एंड प्लांट इन ग्रासलैंड कोस्टल रीजन, अब हम ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो, और अगर कुछ डाउट हो तो मुझसे पूछ लें, ठीक है, टेक्स्ट में। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।